नमस्ते मित्रों, मैं योगी अजीतानंद कृष्णा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रोटोकॉल योग का अभ्यास क्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें, दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना करेंगे उस परम सत्ता परमेश्वर को ध्यान करते हुए, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं उनका स्मरण करें। लंबी गहरी श्वास भरें, हमारे साथ प्रार्थना दोहराएं। सर्वप्रथम एक बार ओम चैंटिंग। ॐ सङ्गच्छत्वं शम्बदत्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। ओम संगच्छत्वं शम्बदत्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर रहें, प्रेम से मिलकर आगे बढ़ें और एक साथ मिलकर हम सभी ज्ञानी बने, ताकि हम सभी अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सतत आगे बढ़ते रहें। इन भावनाओं के साथ आज का योग का अभ्यास क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखें, ग्रीवा संचालन का अभ्यास, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं, छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे। अब अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने झुकाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाहिने, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाहिने, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा। अब अगला अभ्यास, गर्दन को मोड़ते हुए दाहिने देखें, श्वास छोड़ते हुए भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाएं, भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं। अब अंतिम बार गर्दन को क्या करें, गोल गोल घुमाएंगे, अंतिम अभ्यास। इसमें आपकी श्वास सामान्य रहेगी, बिल्कुल सहजता के साथ। पांच बार उल्टा, पांच बार सीधा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से करें,
मुस्कुराते हुए। योग के अभ्यास क्रम में आपका जीवन स्वस्थ हो, निरोग हो, खुशहाल हो। अब अगला अभ्यास, दोनों पैरों को सावधान की स्थिति में आ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब अगला अभ्यास, पैरों बीच में कंधे के बराबर दूरी बना लें, दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, क्यों नहीं, पांच बार उल्टा और पांच बार सीधा। श्वास आपकी सामान्य रहेगी सहजता के साथ। अब उल्टा, बिल्कुल आराम से मुस्कुराते हुए, बहुत शानदार अभ्यास। अब कटी चालन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ नीचे लाएं, दोनों हाथों को सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, भरते हुए सीधा, श्वासों को छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए सीधा। अब अगला अभ्यास घुटनों का करेंगे, दोनों हाथ सीधा, श्वासों को छोड़ते हुए आराम से घुटना मोड़ते हुए बैठ जाएं, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएं, भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएं, भरते हुए सीधा। अब अगला अभ्यास आसनों का आता है। आसनों के अभ्यास में सबसे पहला आसन तड़ासन। क्या तड़ासन करने के लिए सावधानी की स्थिति में आ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल स्थिर सीधा, दोनों हाथों को सामने लाएं, उंगलियों को लॉक करें, हथेलियों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचें, जितना ऊपर खींच सकें खींचने का प्रयास, दोनों पैरों की एड़ियां उठ जाएंगी जमीन से, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सर के ऊपर रखें, श्वास को भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर खींचे शरीर को, और छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार करें, श्वास भरते हुए ऊपर, इस बार होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, वापिस समान स्थिति में आ जाएं, हाथों के नीचे। अब करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए स्थिर हो जाएं, छोड़ते हुए नीचे, ठीक। अब इसको उल्टा करेंगे, अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बाएं पैर दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बाएं पैर को उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार इसी का अभ्यास करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और 5 सेकेंड तक होल्ड रखें,
वन टू थ्री फोर फाइव, वापिस समान स्थिति में, ठीक इसके बाएं तरफ श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड रखें, वन टू थ्री फोर फाइव, वापिस। अब अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासन का। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे झुक सकें झुकने का प्रयास, याद रहे पैरों का घुटना सीधा हो। श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार करें, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, होल्ड रखें 5 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव, वापिस। अब अगला अभ्यास अर्धचक्रासन का। दोनों हाथों को कमर पर रखें, श्वास भरते हुए पीछे झुकें, छोड़ते हुए सीधा, याद रखें जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पीछे झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सीधा, अंतिम बार श्वास भरते हुए होल्ड रखें 5 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव, सीधा। अब अगला अभ्यास खड़े होने वाले सबसे अंतिम अभ्यास त्रिकोण आसन का। पैरों के बीच में दूरी बना लें, गैप कर लें, श्वास भरते हुए सीधा छोड़ते हुए दाहिने झुकेंगे, बायां हाथ सीधा हो जाएगा, हथेलियां बिल्कुल सीधी, श्वास बाहर, श्वासों को भरते हुए सीधा छोड़ते हुए बाएं, दाहिना हाथ सीधा रखें, वापिस, श्वास भरते हुए सीधा छोड़ते हुए दाहिने, वापिस, श्वास भरते हुए सीधा छोड़ते हुए बाएं, अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए सीधा छोड़ते हुए दाहिने साइड, होल्ड रखें 5 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव, वापिस, श्वास भरते हुए सीधा छोड़ते हुए बाएं तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव, वापिस समान स्थिति में आ जाएं। अब अगला अभ्यास बैठ कर करने वाले अभ्यास करेंगे। दंडासन में सीधा बैठ जाएं, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। पहला अभ्यास बैठने वाला में भद्रासन करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करें पहले, फिर बाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ लें, स्पाइन आपकी सीधी रहे, बिल्कुल सीधी, श्वास आपकी समान, यह भद्रासन की स्थिति है, बिल्कुल स्पाइन सीधी, दोनों पैर को घुटने फर्श से मिले हुए, जमीन से टच, बहुत सुंदर अभ्यास। अब अगला अभ्यास पैरों को सीधा कर लें। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन में दो वेरिएशन है, पहला ज़्यादा पीछे ना झुक पाएँ वो हल बेसिक करेंगे, जो ज़्यादा पीछे झुक सकें वो थोड़ा सा एक कदम आगे इंटरमीडिएट लेवल करेंगे। कैसे ध्यान देंगे, ऐसे पहला बेसिक लेवल, दोनों हाथों को कमर पर रखें, श्वास भरते हुए पीछे
छोड़ते हुए सीधा, जिनका ज़्यादा कमर दर्द हो वो ज़्यादा न झुकें, सांस भरते हुए फिर छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सीधा। अब इसी का दूसरा अभ्यास क्रम है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल। दाहिने पैर से दाहिने पैर की एड़ी छुएंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, श्वास भर के पूरा पीछे जाएं, छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सीधा। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए और होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 वापिस। अब अगला अभ्यास करेंगे शशांकासन का। शशांकासन के लिए बिल्कुल आराम से सीधा, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं, माथा को फर्श से मिलाने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड रखें 1, 2, 3, 4, 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। उत्तान मंडूकासन कैसे करते हैं, आपको पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में दूरी बनाएं, दोनों हाथ पहले बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, फिर दाहिने हाथ को, ये आपका उत्तान मंडूकासन। पूरा स्पाइन को जितना अधिक पीछे मोड़ सके मोड़ने का प्रयास करें, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, चेहरे पर मुस्कान प्रसन्नता बनी रहे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, समान स्थिति में आ जाएं। अब अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन मरीचयासन। दोनों पैरों को दंडासन में सीधे लाएं। वक्रासन के लिए दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को उठाएं और दाहिने पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखें, ठीक इसके उल्टा अपने बाएं तरफ करेंगे, श्वास भरते हुए सीधा, बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाया हाथ पीछे ले जाएं, जमीन से टच करें, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजों को पकड़ लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखें, विशेष ध्यान श्वासों पर, फिर दाहिने तरफ दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे पकड़ लें और पीछे देखें, श्वास छोड़ते हुए, फिर वापस श्वास भरते हुए सीधा, बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ पीछे, दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए सीधा, इस बार 5 सेकेंड होल्ड रखें, श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लें, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, वापस श्वास भरते हुए सीधा। अब बाएं पैर को फोल्ड करें, दाहिने हाथ से उठाएं, श्वास छोड़ते हुए होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4, 5, वापस समान स्थिति में आ जाएं। अब अगला अभ्यास पेट के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटने में सबसे पहला आसन है भुजंगासन, कोबरा पोज।
कोबरा पोज भुजंगासन में दो वेरिएशन है, एक बेसिक दूसरा इंटरमीडिएट। पहले हम बेसिक करेंगे, श्वास भरते हुए इसमें केव दोनों केवनी फर्श से मिली हुई आधा उठेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार करें, श्वास भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। अब इसी का सेकेंड वेरिएशन, जो ज़्यादा उठ सकें, जिनका स्पाइन थोड़ा सा लचीला हो, आराम से कर सकें, वो करेंगे। इसमें दोनों हाथ और नज़दीक आएंगे चेस्ट के पास, सीने के पास लाएं, दोनों हाथ की केवनी सीधा हो जाएगी और पूरा स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, श्वासों को भरते हुए सर्प के जैसा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, समान स्थिति आ जाए। अब अगला अभ्यास मरकट आसन का, दोनों हाथ की हथेलियों को पहले बायां फिर दाहिने फर्श पर रखें, दोनों पैरों को फर्श से मिलाकर रखें, दोनों एड़ियां आमने सामने बिल्कुल लेट जाए, ये आपका मरकट आसन स्थिति। 10 सेकेंड तक समान स्थिति में श्वास लें छोड़ें, मन शांत शरीर स्थिर, आसनों के प्रभाव को अपने मन मस्तिष्क में होने दें। अब अगला अभ्यास करेंगे शलभासन का, दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों थाइज के नीचे रखें और दोनों पैरों को उठाएंगे 60 डिग्री के अंश पे, श्वासों को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाएं 60 डिग्री के अंश पे, छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, वापिस। अब पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे, आराम से पीठ के बल घूम जाएं, पीठ के बल लेटने वाला सबसे पहला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पेट को श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे, पूरा शरीर एक ब्रिज के समान सेतु के समान होना चाहिए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अंतिम बार करेंगे और 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर 5 सेकेंड होल्ड रखें, 1 2 3 4 5, समान स्थिति में ला दें, दोनों हाथ पैर सीधा। अब अगला अभ्यास है उत्तान पादासन, दोनों हाथ की हथेलियाँ फर्श से मिली हुई, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर उठाएंगे, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4
5 सामान्य स्थिति मिला दें। अब अगला अभ्यास है अर्धहलासन का। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर उठाएंगे बिल्कुल सीधा, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नीचे लाएं, धीरे धीरे आराम से श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब अंतिम बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, वापस धीरे धीरे नीचे। अब सुनने वाले अंतिम अभ्यास हैं पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को मोड़ें, हाथों से घुटनों को लॉक करें, नाक से दोनों घुटनों को सटाने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए भरते हुए दोनों हाथ पैर सीधे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें, नाक से सटाने का प्रयास भरते हुए सीधा। अंतिम बार करें और 5 सेकेंड तक होल्ड रखें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, समान स्थिति में आ जाएं। अब बिल्कुल शवासन की स्थिति में लेट जाएं, 100 के समान शवासन, दोनों हाथों की हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। योग के अभ्यास के बाद 2 मिनट का शवासन जरूर करना चाहिए। जो अभी आपने सर से लेकर पांव तक जो भी हमने योग का अभ्यास किए उससे आपके शारीरिक मांसपेशियां में खिंचाव हो रही होगी, रक्त संचार तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, उसको सामान्य करने के लिए शवासन बेहद ज़रूरी है। शवासन से आपका मन, सारी हलचलें शांत होती हैं, मन स्थिर और प्रसन्नचित होता है। शवासन में विशेष ध्यान आपके श्वासों पर, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, बिल्कुल सामान्य स्थिति में, मन शांत, श्वास गहरी। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को मूवमेंट्स देंगे, पैरों को हिलाएं, चेस्ट कंधा को हिलाएं, दोनों पैरों को मोड़ें, हाथों को लॉक करें, बाएं तरफ करवट लें, पैरों को मोड़ के फिर दाहिने करवट लें, बाएं फिर दाहिने, बाएं दाहिने, दाहिने करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं, पलटी मार के बैठ जाएं। अगर आपको पद्मासन में, सुखासन में बैठना चाहें आप सुखासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठना चाहें अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। जिस स्थिति में आपको आराम से बैठने का आदत हो उस स्थिति में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे कपालभाति, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, श्वास को एक बार भर लें, 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 1 राउंड में 10 स्ट्रोक को श्वास बाहर फेंकना है, जब श्वास बाहर फेंकेंगे तो पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगी, कैसे करना है एक बार ध्यान देंगे, श्वास भर लें और श्वासों को फेंकना है, जब श्वास
फेंकेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेट अंदर जाएगा। अब दूसरी बार सांस भरें, अब अंतिम बार करेंगे सांस भरते हुए। समान स्थिति में आ जाएं। अब अगला अभ्यास प्राणायाम का करेंगे, अनुलोम विलोम नाड़ी स्वतः। कैसे करें, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाहिने हाथ की अंगूठे के बगल की उंगली तर्जनी और मध्यमा को मोड़ेंगे ऐसे। दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छिद्रों को बंद करें, लेफ्ट से श्वास भरें, बाएं से नासिका के छिद्रों से दाहिने से श्वासों को बाहर निकाल दें, फिर दाहिने से श्वास भरें, बाएं से श्वास बाहर निकाल दें, बाएं से श्वास भरें, दाहिने से श्वास बाहर निकाल दें, फिर दाहिने से श्वास भरें, बाएं से श्वास बाहर निकाल दें। 2 मिनट तक इसका अभ्यास करें, विशेष ध्यान आपके श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। सारा ध्यान आपके श्वासों पर। अंतिम बार करें, धीरे धीरे हाथों को नीचे ला दें। अब अगला प्राणायाम का अभ्यास शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को फोल्ड करते हैं और जीभ के माध्यम से श्वास भरेंगे और नाक से श्वास निकालेंगे, कैसे देखेंगे। अंतिम बार करेंगे, अंतिम प्राणायाम प्राइमरी प्राणायाम करें। दोनों हाथ के अंगूठे से कानों को बंद कर लें, दोनों हाथ की उंगलियों से आंखों को ढकें, भौंरे जैसा गुंजन करते हुए नाक से आवाज निकालेंगे। एक बार लंबे गहरी सांस भरें और भौंरे जैसा गुंजन करते हुए आवाज निकालेंगे, कैसे ध्यान से सुनेंगे।
धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। अब लास्ट अभ्यास ध्यान का अभ्यास आता है प्रोटोकॉल में। बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर, कमर गर्दन सीधी। 2 मिनट का ध्यान करें। ध्यान कहा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। ध्यान ऐसी विद्या है जो आपकी इस मन रूपी चंचलता को शांत करने का रामबाण उपाय है। मन की सारी चंचलताओं को दूर करता है, मानसिक चिंताओं को दूर करता है। इस आत्मा को उस परम सत्ता परमात्मा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है ध्यान। ध्यान में खोने का अर्थ है उस परमात्मा में, ईश्वर में, खुदा में डूब जाना। संसार की इस माया रूपी संसार से कुछ पल के लिए अपने आप को दूर करें और अपने आप में खो जाएं। कहा जाता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। जो कुछ है सब कुछ उसका दिया हुआ परमात्मा का है, खुदा का, ईश्वर का है। हम इस गुमान में, इस अहंकार में क्यों रहें, सब मेरा मेरा मेरा। इस पिंजड़े से जब पंछी उड़ जाएगी, कुछ मेरा नहीं, सब कुछ उसका है, उसके पास रहेगा। आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी प्राण भी आपकी नहीं है, सब उसी परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है। इसका उपयोग हम हमेशा सत्कर्मों में लगाएं, सदकार्यों में लगाएं, दूसरे की भलाई में लगाएं। मन में हमेशा सकारात्मक शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब संकल्प करेंगे। संकल्प कहा जाता है, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के साथ गतिमय चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात रुख तूफान बदल सकता है। किया जाए संकल्प तो हर व्यक्ति और इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से पूरा जग और जहान बदल सकता है। संकल्प में वैसी ताकत होती है, वैसी पावर होती है कि आप जो चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें वैसा बन सकते हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। ताकि संकल्प करें, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सबसे अच्छा हूँ। उस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। हम हमेशा नियमित योग करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालें, सदैव प्रत्येक दिन दूसरों की भलाई के लिए सोचें, अच्छा करें और अच्छा बन जाए। यह हमें योग प्रेरणा देती है जीवन में सत्कर्मों के लिए। दोनों हाथों को जोड़ लें। शांति पाठ समापन। एक बार ओम चैंटिंग, लंबी गहरी श्वास। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबका जीवन में मंगल ही मंगल हो, पूरे विश्व ब्रह्मांड में शांति ही शांति स्थापना हो, ऐसी शुभ मंगल शुभकामनाओं के साथ सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल पूर्ण होता है। सभी को नमस्कार। करिए योग, रहिए निरोग, हमेशा मुस्कुराते रहिए।